जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बुधवार के दिन भगवान बुद्ध देव की यह कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। दो कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसके ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को कहीं नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशबाड़ी हुई। मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि
हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत सुनती है, भगवान बुद्धदेव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए सुनते हैं बुधवार पूजन विधि। पौराणिक मान्यता के अनुसार बुधवार के व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को करना चाहिए और इसके बाद लगातार 7 बुधवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी सहित 9 ग्रह पूजन करना भी जरूरी माना जाता है। व्रत के दौरान में भागवत महापुराण का पाठ भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी बुधवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। प्रातः काल उठें, नित्य क्रिया से निपटने के पश्चात स्नान आदि से स्वच्छ होकर भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए। व्रती हरे रंग की माला या वस्त्रों का प्रयोग करे तो उत्तम रहता है। यदि पूजा के लिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा न मिले तो भगवान शिव शंकर की प्रतिमा के निकट भी पूजा की जा सकती है। दिन भर के व्रत के पश्चात शाम को भी पूजा करनी चाहिए और केवल एक समय भोजन करना चाहिए। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल या सब्जी आदि दान करने चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तु से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। कहते विधि विधान से अगर इस व्रत को किया जाए तो जीवन में सुख शांति रहती है और घर धन धान्य से भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी भी व्रती की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।